अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 511 विशेषज्ञों के बीच एक सर्वेक्षण किया। इसके जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि आने वाले दिनों में कोरोना का उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार इन विशेषज्ञों ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, बल्कि अपनी निजी जिंदगी के बारे में लोगों को बताया। कोरोना वायरस पिछले 6 महीने से दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। विश्व के ज्यादातर देशों में इस वायरस से दहशत मची हुई है। हालांकि कई देश ऐसे भी हैं जहां कोरोना वायरस के मामले कम हुए हैं और उन्होंने कोरोना वायरस की रफ्तार पर काबू पा लिया है, लेकिन ऐसे देशों में कोरोना वायरस का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। खतरा अभी भी बरकरार है। इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने महामारी के 511 विशेषज्ञों के बीच एक सर्वे किया है। उनसे ये समझने की कोशिश की कि कोरोना वायरस कब तक खत्म हो सकता है। अगर खत्म नहीं होता है तो आगे आने वाली जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, और अगर खत्म हो जाता है तो खत्म होने के बावजूद भी इसका हम सभी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब एक्सपर्ट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट या वैक्सीन आने में 1 साल का वक्त लग सकता है या उससे ज्यादा भी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ज्यादातर महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं आ जाता, वो बड़े कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहेंगे। सैलून में बाल कटाने पर जवाब, 41% एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो जल्द ही किसी सैलून या बार्बर शॉप जाएंगे, जबकि 39% का कहना है कि वो 3 से 12 महीने तक इंतजार करेंगे। वहीं 19% ने कहा कि वो ऐसा 1 साल बाद ही करेंगे, जबकि 1% ने कहा कि अब वो कभी हेयर कट नहीं लेंगे। संभावित छुट्टी पर जाने पर राय, संभावित छुट्टी पर जाने से जुड़े सवाल पर 56% ने कहा कि वो ड्राइविंग डिस्टेंस फॉलो करते हुए छुट्टी पर जाएंगे। वहीं 26% ने कहा कि ऐसा 3 से 12 महीने बाद वो करेंगे, जबकि 18% ने कहा कि वो ऐसा 1 साल बाद ही करेंगे। 60% एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट नहीं होने पर भी गर्मियों में डॉक्टर से मिलने जाएंगे, जबकि 29% ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो 3 से 12 महीने इंतजार करेंगे। 11% ने कहा कि वो ऐसा करने के लिए 1 साल से अधिक वक्त तक रुकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल, लोगों से मिलने के दौरान सावधानी बरतने पर 64% ने कहा कि वो बिना किसी सावधानी के लोगों से मिलेंगे। वहीं 16% ने कहा कि ऐसा करने में उन्हें 3 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। साथ ही 17% ने कहा कि वो 1 साल से ज्यादा वक्त तक सावधानियों का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 3% ने कहा कि अब वो बिना सावधानी के कभी किसी से नहीं मिलेंगे। ऐसे ही कई सवाल एक्सपर्ट से सर्वे में पूछे गए। डिनर पार्टी को लेकर राय, छोटे डिनर पार्टी को लेकर 46% एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो 3 से 12 महीने बाद ऐसा करेंगे, जबकि 32% ने गर्मियों में ही छोटी डिनर पार्टी आयोजित करने की बात कही, लेकिन 21% एक्सपर्ट्स 1 साल तक रुकने के लिए तैयार दिखे। वहीं गर्मियों में सिर्फ 20% एक्सपर्ट्स ने एयर ट्रेवल में रुचि दिखाई, जबकि 44% एक्सपर्ट 3 से 12 महीने बाद ही एयर ट्रेवल करना पसंद करेंगे, जबकि 37% लोग 1 साल से अधिक वक्त तक रुकना चाहेंगे। ये सर्वे न्यूयॉर्क टाइम्स ने महामारी के 511 विशेषज्ञों के बीच किया और उनसे कई सवाल पूछे, जिन पर हर विशेषज्ञ ने अपनी अपनी राय दी। ये उनकी निजी राय थी, लेकिन इससे ये साफ हुआ कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद भी लोगों को फिर से सामान्य जिंदगी शुरू करने में काफी समय लग सकता है। कोरोना वायरस का असर खत्म होने के बाद भी काफी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि अनलॉक के बाद भी जब मॉल, रेस्टोरेंट्स, होटल सब खुल चुके हैं, तब भी लोग अभी भी घर से बाहर जाने में हिचकिचा रहे हैं और सिर्फ जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना ने इस कदर लोगों के मन पर छाप छोड़ी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।